नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। कप्तान विराट कोहली वापस भारत लौट आए हैं। विराट कोहली पहली बार पिता बनने जा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने छुट्टी ली है। पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली ने ही कप्तानी की थी, जिसमें टीम इंडिया को 8 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। कोहली के जाने के बाद अब भारत की कप्तानी अजिंक्य रहाणे के हाथों में है। रहाणे बाकी के बचे 3 टेस्ट मैचों में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि भारत ने उपकप्तान इस सीरीज के लिए किसे बनाया है। जी हाँ, BCCI ने टीम का उपकप्तान चेतेश्वर पुजारा को नियुक्त किया है। उन्हें 3 टेस्ट मैचों के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय टीम जब अपने देश में खेलती है तो आमतौर पर टीम में उपकप्तान नहीं होता है, लेकिन विदेशी दौरों के लिए सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट उपकप्तान का चयन करते हैं और इस बार चेतेश्वर पुजारा को इसके लिए चुना गया है। पुजारा इस समय भारतीय टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो पहली बार टीम इंडिया के उपकप्तान बनाए गए हैं। आपको बता दें, टेस्ट सीरीज से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा को टेस्ट कप्तान बना दिया जाएगा, पर रोहित शर्मा आखिरी के 2 टेस्ट मैच ही खेलेंगे और रहाणे ने अब तक कोई खराब प्रदर्शन नहीं किया है। बल्ले से जरूर प्रदर्शन खराब रहा है, पर उन्होंने कप्तानी में भारत को जीत दिलाई है। 2 टेस्ट मैचों में रहाणे ने भारत के लिए अब तक कप्तानी की है और दोनों में ही भारत को जीत मिली है। रहाणे भारत के नियमित उपकप्तान हैं। बताते चले कि टीम इंडिया ने मेलबर्न टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 4 बड़े बदलाव के साथ इस बार टीम उतर रही है, जिसमें शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहे हैं, जबकि ऋषभ पंत और जडेजा की टीम में वापसी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रहाणे भारत को टेस्ट मैच जिता पाते हैं या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।